हेलो फ्रेंड्स, मैं अनु सोलंकी लर्निंग एम्पायर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्लोज एंड फ्रेज। बेसिकली ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन इसमें इन दोनों को डिफरेंट डिफरेंट वे से हम आइडेंटिफाई करते हैं। इससे रिलेटेड एग्ज़ाम्स में बहुत से क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप टीचिंग एग्ज़ाम की बात कर लीजिए, चाहे आप कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात कर लें, या फिर आप स्कूल स्टूडेंट हैं तो स्कूलिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ग्रामिकल जो पोर्शन होता है उसमें भी ये आते हैं, क्लोज एंड फ्रेज। तो आज हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि क्लोज क्या है और फ्रेज क्या है, ठीक है। जब हम सब्जेक्ट अगर हमारे पास है प्लस वर्ब भी होगी, यानी वहाँ पे वर्ब भी है और सब्जेक्ट भी है, तो वो क्या होगा, हमारा क्लोज होगा। इनको आइडेंटिफाई करने के ये कुछ शॉर्टकट हैं, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट तो है बट वर्ब नहीं होगी, तो वो क्या होगा, हमारा फ्रेज होगा। तो बेसिकली क्लोज एंड फ्रेज में हमें इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं वो तो क्लोज भी होता है और फ्रेज भी होते हैं, ठीक है, दोनों ही होते हैं। लेकिन जो विदाउट हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो होता है हमारा फ्रेज, और जो सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब भी होती है, वर्ब होती है हमारी, वो होते हैं हमारे क्लोज। क्लोज के बारे में हमने पीछे भी पढ़ा है, यानी जब हमने कंडीशनल सेंटेंस पढ़े थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि क्लोज और फ्रेज, क्लोज के हमने कुछ पार्ट्स भी डिस्कस किए थे। तो आज हम पहले फ्रेज पढ़ते हैं, उसके बाद क्लोज को, जो हमने पहले भी प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो क्लोज इजी रहेगा थोड़ा सा समझने में। तो आज हम वो करते हैं जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, यानी फ्रेज, और हमारा जो पार्ट टू होगा उसमें हम क्लोज को प्रीवियस वाले लेक्चर जो हैं उससे रिलेट करते हुए उसको आगे बढ़ाएंगे, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रेज। फ्रेज में जो फ्रेज है हमारा, इसमें हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर वर्ब नहीं होगी, ठीक है, ये हमारा विदाउट हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब पता है ना सबको, इज एम आर, जो भी जिनकी हेल्प से हम सेंटेंस क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, तो हमने पढ़ा भी है पीछे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो फ्रेज हैं उनके कितने टाइप होते हैं, नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशन फ्रेज, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज में क्या होता है, वर्ब फ्रेज में क्या होता है, और एडवर्ब में क्या होता है, प्रीपोजिशन में क्या होता है, ठीक है। जब हम आज सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे कि फ्रेज के जो ये टाइप्स हैं इसको हम कैसे आइडेंटिफाई एग्जाम में कर सकते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम नाउन फ्रेज। देखिए एग्ज़ाम में हर बार मैं आपसे, जब भी इंग्लिश के लेक्चर लेते हैं हम, तो मैं आपसे ये डिस्कस करती ही हूँ कि जैसे नाउन, कई बार क्या होता है ना, डिमांड होती है कि आप डिफाइन भी लिखवाइए नाउन फ्रेज की है, जो भी है। देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम्स में ना आपसे डिफाइन नहीं पूछते हैं, ठीक है। डिफाइन एक होता है कि आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम वो डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम नाउन के बारे में, देखो सबको पता है, ठीक है, नाउन क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, और वर्ब क्या होती हैं, ठीक है। तो यहाँ हम कैसे क्वेश्चंस में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, यहाँ पे हमें सिर्फ वही डिस्कस करना है, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। इसमें एक सेंटेंस है, माई न्यू इंग्लिश बुक इज़ वेरी ईजी। यहाँ पर क्या है, अंडरलाइन किया हुआ है माई न्यू इंग्लिश बुक। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि जो हमें अंडरलाइन करके दिया है इस हिस्से में से ही हमें ये देखना है कि ये कौन सा फ्रेज है, ठीक है, नाउन फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, या कोई भी, यानी आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि इसमें ये जो पूरा सेंटेंस हमें दिया हुआ है, ये जो है, जब जैसे पूरा सेंटेंस जो है सब्जेक्ट की तरह जब बिहेव करता है, ठीक है,
ये माई न्यू इंग्लिश बुक, यानी ये जो पूरा सेंटेंस है सब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, तो फिर ये नाउन फ्रेज हो सकता है। ठीक है, तो अभी इसको हम और डिटेल में देखेंगे कि कैसे हम इसको पता लगा सकते हैं कि नाउन जो फ्रेज होते हैं वो किस तरह से सब्जेक्ट की तरह बिहेव करते हैं, तो अब हम वो डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे नाउन फ्रेज की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पहले ही ऐड कर देते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया है आपको, फ्रेज है तो फ्रेज में वर्ब नहीं होगी, यानी वर्ब जो होगी हमारी इंक्लूडेड नहीं होगी। तो सिर्फ इतने सेंटेंस में देखिए, माई न्यू इंग्लिश बुक, इसमें देखिए कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं की गई है। तो अगर हम यहाँ पे सब्जेक्ट देखें तो ये हमारा पूरा सेंटेंस जो है ये सब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, हमारी न्यू इंग्लिश बुक। ठीक है, तो इससे हमें पता चलेगा जब ये सारी जो कंडीशन है ये फॉलो कर रही होंगी, तो फिर ये क्या होगा, हमारा नाउन फ्रेज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, आई बॉट अ न्यू ब्लैक पपी। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन किया है न्यू ब्लैक पपी, ठीक है, इसमें यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ कोई भी वर्ब नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या है, ये पूरा एक सब्जेक्ट की तरह है। ठीक है, द मेन, हाँ जी, यहाँ पर जो हमारा जो हमें अंडरलाइन करके दिया है द न्यू ब्लैक पपी, यानी न्यू ब्लैक पपी जो है हमारा, इतना पोर्शन जो है इसको हम किस में इंक्लूड करेंगे कि जो न्यू ब्लैक पपी है ये हमारा नाउन फ्रेज होगा। लेकिन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब नहीं है, और जो पूरा सेंटेंस है वो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों की तरह बिहेव कर रहा है। यानी जो सेंटेंस हमारा गिवन होगा, जो अंडरलाइन सेंटेंस होगा, वो अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करे तो वो हमारा कौन सा फ्रेज होगा, नाउन फ्रेज होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट में देखते हैं द मेन रोड। मेन रोड में क्या है, अगर हम अंडरलाइन करें, मान लीजिए द मेन रोड, अगर हमने ये अंडरलाइन किया तो इसमें जो रोड है वो क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया। ठीक है, द मेन रोड क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसमें नाउन भी आ रहा है, सब्जेक्ट भी आ रहा है, और ये पूरा जो रोड है जो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये हमारा कौन सा फ्रेज हो जाएगा, नाउन फ्रेज हो जाएगा। बेसिकली आपको ये देखना है वहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो, और जो पूरा सेंटेंस है सब्जेक्ट जो है हमारा वो ऑब्जेक्ट की तरह भी बिहेव करे और सब्जेक्ट की तरह भी बिहेव करे। जो भी हमारा जो सेंटेंस गिवन होगा वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा होगा विदाउट हेल्पिंग वर्ब, तो वो कौन सा फ्रेज हो जाता है, हमारा नाउन फ्रेज हो जाता है। जैसे गीता गिव मी अ न्यू बुक, अगर मैं यहाँ पर अ न्यू बुक को अंडरलाइन करूँ तो जो न्यू बुक है ये फ्रेज में आ जाएगा, क्योंकि फ्रेज में क्या होता है, वर्ब नहीं होती है, तो ये तो हमें पता है। शी गिव मी, यानी अगर हम मैं बात करूँ कि शी गिव मी, अगर यहाँ पे गीता गिव मी है जो भी है, ठीक है, अगर यहाँ पर इनकी बात करूँ तो ये हमें ये सेंटेंस होता है। ठीक है, लेकिन अगर अ न्यू बुक की हम बात करूँ तो ये फ्रेज होता है, और ये फ्रेज कौन से फ्रेज में इंक्लूडेड होगा, नाउन फ्रेज में होगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही मिलेंगे आपको। तो इसमें बेसिकली नाउन फ्रेज में क्या याद रखना है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो हमारा नाउन फ्रेज है उसमें हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होने चाहिए, और जो सेंटेंस है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह ही बिहेव करेगा, और यहाँ पर वर्ब नहीं होगी, यानी कोई भी हेल्पिंग वर्ब इसमें इंक्लूडेड नहीं होगी, तो वो कौन सा फ्रेज बनेगा, नाउन फ्रेज बनेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट फ्रेज पर, वर्ब फ्रेज। ठीक है, ये काफ़ी इजी होता है और मिस्टेक्स भी सबसे ज़्यादा यहीं पर होती हैं। अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वर्ब फ्रेज की, तो यहाँ पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की यहाँ पर बात होगी। जैसे हमने वर्ब पढ़ा था तो हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी कि मेन वर्ब कौन सी होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होती हैं, और हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती हैं। ठीक है, तो जिसने वर्ब का लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो वर्ब का लेक्चर देखें, क्योंकि अगर वर्ब क्लियर हो जाएगा तो आगे आगे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, आप स्टेप बाय स्टेप इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे।
तो हेल्पिंग वर्ब और जो मेन वर्ब हैं और मोडास प्लस मेन वर्ब है, यानी अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन कहीं पे अगर आपको दिखाई देता है तो ये कौन सा फ्रेज होगा? हमारा वर्ब फ्रेज होगा। यानी वहां पर एक तो हेल्पिंग वर्ब हो साथ में और मेन वर्ब भी हो, ठीक है, बट साथ में अगर मोडास भी हैं आपके और मेन वर्ब भी हैं तो भी वो वर्ब फ्रेज ही होगा। तो ये कॉम्बिनेशन हमें वर्ब फ्रेज में याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब भी होनी चाहिए, मेन वर्ब भी होनी चाहिए, या फिर मोडाल होने मोडाल्स हैं आपके गिवन है वहाँ पर और मेन वर्ब भी है, तो फिर ये दोनों ही अगर गिवन है तो वहाँ पर हमारा बन जाएगा वर्ब फ्रेज। और जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब गिवन नहीं होती है वो कौन सी हो जाती है? हमारी नाउन फ्रेज। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं, सेंटेंस ले लेते हैं अब। शी इज प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, अगर अगर मैं यहाँ अंडरलाइन करूँ इज प्लेइंग, तो अगर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब गिवन है, ये इज जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया और प्लेइंग क्या हो जाता है? हमारा मेन वर्ब। ठीक है, मैंने पढ़ाया है प्रीवियस लेक्चर में मेन वर्ब का, ऑक्सिलरी का, मोडास कहाँ पे आते हैं, हेल्पिंग वर्ब कैसे आती है, ये सब मैंने पढ़ाया है। तो हेल्पिंग वर्ब भी आ रहा है यहाँ पे, मेन वर्ब भी आ रहा है, तो ये कौन सा फ्रेज बन जाएगा? वर्ब फ्रेज बन जाएगा। ठीक है, ही विल हैव बीन लिविंग, ठीक है, यहाँ पे सीधा सा कॉन्सेप्ट है, बेसिकली फ्रेज में वर्ब इंक्लूडेड नहीं होती है, लेकिन अगर हम वर्ब फ्रेज की बात करें, वर्ब फ्रेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब भी होगा। ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब है तो ही वो वर्ब फ्रेज होगा, और मोडाल के साथ अगर मेन वर्ब है तो ही वो वर्ब फ्रेज होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ही विल हैव बीन लिविंग, ठीक है, अब इसमें देखो विल क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, हैव क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, बीन क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया, लिविंग क्या हो गया, हमारा मेन वर्ब हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब भी है, वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है, तो हम ये हमारा कौन सा फ्रेज हो जाएगा? वर्ब फ्रेज हो जाएगा। तो वर्ब फ्रेज सॉरी वर्ब फ्रेज जो है वो सारा क्लियर होगा। ठीक है, सबसे पहले हमने नाउन फ्रेज पढ़ा है, नाउन फ्रेज में कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, वहाँ पर सब्जेक्ट सेंटेंस जो होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह बिहेव करता है। वर्ब फ्रेज में वर्ब गिवन होंगी, हेल्पिंग वर्ब भी होगी, मेन वर्ब भी होगी, या फिर मोडाल के साथ मेन वर्ब होगी। अगर ये कॉम्बिनेशन आपको दिखता है उसमें तो वो क्या होगा? हमारा वर्ब फ्रेज होगा। ठीक है, होप कि आपको ये दोनों फ्रेज क्लियर होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, एडवर्ब फ्रेज एंड प्रीपोजिशनल फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज क्या क्या होता है ना, इसमें जहाँ दो एडवर्ब आ जाएं या तो वो क्या होता है, एडवर्ब फ्रेज बन जाता है। ठीक है, और अगर प्रीपोजिशनल फ्रेज की मैं बात करूँ तो इसमें ऑन, ओवर, अपॉन, अबव, इन, इनटू, बाय, विद, फॉर, फ्रॉम, अलोंग, अक्रॉस, एक्सेट्रा बहुत सारे होते हैं। अभी मैंने यहाँ पर कुछ लिमिटेड ऐड किए हैं, वैसे बहुत सारे होते हैं। नेक्स्ट सेशन में आपको पूरा जो टॉपिक है प्रीपोजिशनल फ्रेज उसको हम पढ़ाएंगे। तो आपको क्लियर हो गया होगा एडवर्ब फ्रेज में क्या होता है, जहाँ पर दो एडवर्ब आ जाएं। ठीक है, प्रीपोजिशनल फ्रेज में क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, ऑन, ओवर, अपॉन, अबव, इन, इनटू, बाय, विद, फॉर, फ्रॉम, अलोंग, अक्रॉस, एक्सेट्रा। तो जहाँ पर ये आ जाएंगे वहाँ पर कौन सा फ्रेज होगा? प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे थोड़े से एग्जांपल्स करते हैं। शी इज़ रनिंग वेरी स्लोली, ठीक है, अगर मैं वेरी स्लोली को यहाँ पर करूँ, वेरी क्या है? एडवर्ब है, स्लोली क्या है? ये भी एडवर्ब है। तो ये दोनों अगर एडवर्ब यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर दो एडवर्ब आ जाते हैं तो वो क्या बन जाएगा? एडवर्ब फ्रेज बन जाएगा। तो ये कौन सा फ्रेज बनेगा? एडवर्ब फ्रेज बनेगा। ठीक है, अगर इसकी जगह मैंने शी इज़ रनिंग अगर किया होता, अगर इसकी जगह मैंने शी इज़ रनिंग किया होता, तो यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है, तो ये कौन सा बन जाता? वर्ब फ्रेज बन जाता।
हमें सिर्फ देखना ये है कि उन्होंने अंडरलाइन करके क्या पोर्शन दिया हुआ है, बाकी से हमें कुछ लेना देना नहीं है। जो अगर फ्रेज पे एग्जाम में आते हैं तो सिर्फ वो अंडरलाइन वाला पोर्शन हमें देखना है, सिर्फ वहाँ पे हमें देखना है कि क्या गिवन है, बाकी पूरे सेंटेंस से हमें कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है? तो सिर्फ इतना ही ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आई सो हिम ऑन द रोड। अब अगर मैं बात करूँ जैसे ऑन द रोड, अगर हम अंडरलाइन कर लेते हैं चलो यहाँ पे, तो ऑन द रोड में क्या होगा? ऑन आ रहा है स्टार्टिंग में ही, अगर ऑन आ रहा है तो फिर ये क्या बन जाएगा हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज में मैंने बताया था अभी आपको कि क्या होता है, ऑन, ओवर, अपॉन, अबव, इन, इनटू, बाय, विद, फॉर, फ्रॉम, अलोंग, अक्रॉस, ठीक है? तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है? ऑन है, तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट में देखते हैं, अगर विद द हेल्प ऑफ राम या फिर विद द हेल्प तक भी अगर हम करें तो ये विद से स्टार्ट हो रहा है ना, मतलब प्रीपोजिशनल में बेसिकली ना उन्हीं वर्ड से स्टार्ट होगा। अगर आपके पास अंडरलाइन करके दिया होगा ना तो वहाँ पे वो स्टार्ट होगा उन्हीं वर्ड से जो मैंने ऊपर बताए हैं। तो यहाँ से, यहाँ पे विद से अगर स्टार्ट हो रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा। अगर मैं ऑन, यहाँ पे ऑन संडे को ही कर देती हूँ तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा, ठीक है? तो प्रीपोजिशनल फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज क्लियर हुए होंगे, जहाँ दो एडवर्ब आ जाते हैं वहाँ पर क्या होता है हमारा एडवर्ब फ्रेज होता है, और जो ऑन, ओवर, अपॉन, अबव, इन, इनटू, बाय, विद, फॉर, फ्रॉम, अलोंग, अक्रॉस, एक्सेट्रा, ये सारे वर्ड से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो वो हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है। नाउन फ्रेज में क्या होता है? नाउन फ्रेज में जब कोई भी जो वर्ब है वो वहाँ पे इंक्लूडेड नहीं होगी, जो सेंटेंस है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह काम करेगा, तो वहाँ पे नाउन फ्रेज होगा। उसके बाद हमारा सेकंड जो आता है वो है सेकंड फ्रेज, कौन सा है हमारा? वर्ब फ्रेज, यानी जहाँ पे हमारी वर्ब गिवन होगी, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब या फिर मोडास प्लस हमारी मेन वर्ब इंक्लूडेड होंगे तो वो क्या होंगे हमारा वर्ब फ्रेज होगा, ठीक है? तो अभी हमें चारों फ्रेज समझ में आ गए होंगे। आगे के जो लेक्चर होगा इसका पार्ट टू होगा, उसमें क्लोज समझेंगे, ठीक है? धीरे धीरे समझेंगे ना तो क्लियर होगा। आज आपको फ्रेज क्लियर हुआ है, फिर आपको क्लोज कराएंगे, फिर मिक्सअप क्वेश्चन देंगे, तो आपको एकदम दिमाग में आपके छप जाएगा कि क्लोज और फ्रेज में क्या डिफरेंस है और कैसे कैसे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, अब हम क्लोज को पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि इसके पार्ट टू में। आज के लिए इतना ही। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब आवर चैनल लर्निंग एम्पायर एंड प्रेस बेल आइकन। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।